उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद थाना मैनाठेर ग्राम आजम वाली मिलक में प्लॉट का बैनामा ना कराने पर मोहम्मद इशाक के खिलाफ जाकिर ने मंडल आयुक्त से शिकायत की है। जाकिर ने मोहम्मद इशाक पर प्लॉट का बैनामा ना कराने का आरोप लगाया है। मंडल आयुक्त को दिए गए शिकायती पत्र में जाकिर ने कहा कि मैंने 2,60,000 रुपए में प्लॉट मोहम्मद इशाक से खरीदा था और इशाक ने 2,60,000 रुपए लेने के बाद भी प्लॉट का बैनामा नहीं किया है। क्या नाम आपका? मेरा जाकिर नाम। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि इशाक जो है मेरा बैनामा नहीं करा रहा, पैसा ले लिया उसने तो बैनामा नहीं करा रहा। कितना टाइम हो गया? ये सब से हो गए करीब 15 साल हो गए प्लॉट लिए हुए, और ऐसे 180 गज जगह। क्या कहता हूँ वो ये कहता है क्या करा दूंगा मैं बनावा, हम तुम तसेरे कह रहे हैं कभी भी करा लिए, ऐसे टारते टारते चलाया। पैसे दे दिए? पैसे सब दे दिए। कैसे दिए थे पैसे? ऐसे दिए थे 1,00,000 एक दिए थे और कैश दिया था। अच्छा। 1,00,000 एक बार दिए थे, फिर 1,00,000 और 20 दिन के बाद दिए थे, और उसे जो है 50,000 एक बार दे दिए थे और 10,000 ब्याने में दिए थे। तो आज आप 2,00,000 आए, क्या चाहते हो? सर हम ये चाहते हैं कि हमारे प्लॉट का वो बैनामा करा दे और हम सब मजबूरी को यहाँ आना पड़ा है। जब वो नहीं करा रहे बैनामा तो हमें साहब कमी साहब के पास आना पड़ेगा। और वो ये कह रहा था बैनामा नहीं कराऊंगा मैं, ज्यादा करोगे तो गोली मार दूंगी। क्या करता हूँ? वो घास फैक्ट्री लगा रखी है उसने, तो धमकी देता है क्योंकि उसने अपने चचा के भी गोली मारी थी, तो बच गए थे उसके चचा खैर, मगर गोली मारी थी। जब से ये अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं बदमाश हूँ। कहाँ पर आपने कंप्लेंट किया था? कंप्लेंट मैंने मनाठे थाने में करी थी सर। आप कमिश्नर साहब के यहाँ क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ मेरा मतलब प्लॉट मुझे मिल जाना चाहिए, मेरी जो भूमि है वो मेरी मुझे मिल जानी चाहिए। जाकिर ने मंडल आयुक्त से शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। उधर जाकिर द्वारा मोहम्मद इशाक पर लगाए गए सभी आरोप निराधार बताते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद इशाक ने आगे बोलते हुए कहा कि मैंने जो जमीन जाकिर से खरीदी थी उसकी सब पेमेंट कर दी है और उसके पास पेमेंट के सारे सबूत है, लिहाजा मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद इशाक है। इशाक जी जो ये जाकिर है उसने आप पर आरोप लगाया कि आपने उसकी जमीन खरीदी थी, बैनामा नहीं करा रहे हैं, 2,60,000 रुपए दे दिए उसने। जी इसने इसका कोई चक्कर नहीं है, कोई जमीन नहीं खरीदी है, ये तो जमीन हड़पने वाले भू माफिया है ये तो। इसने झूठा हिबानामा 2010 में लिखवा के और इसने स्टे ले रखा है 653 नंबर पे, समझे ना साहब? और जबकि मैं उस जमीन का मालिक नहीं था, मेरे वालिद थे। 24 दिसंबर 2015 को मेरे वालिद खत्म हुए, 2017 में हमारे नाम पे आई है, ये हमारी अम्मी के नाम पे ही है। इसने जो मुकदमा डाला हुआ है वो 653 नंबर पीछे जाके होता है, सही है? ये मुकदमे झूठे लगा रहा है सर, ये तो भूमि माफिया है। अभी है पीछे भी जमीन पूरी नहर बना रखी है इन्होंने, ये पूरी सरकारी संपत्ति और जितनी भी जमीन का मामला बताइए। हाँ। जो जिस जमीन का विवाद चल रहा वो नंबर है या वो नंबर नहीं है? ये वो नंबर अलग है जिसका मुकदमा सिविल जज का ये है सर, ये है ये। हाँ जिसमें इन्होंने झूठा इन्होंने स्टे ले रखा है, झूठा हिबानामा हिबा जवानी करके। अब जाकिर का ये भी आरोप है कि जो स्टैम्प था स्टैम्प पर जो 100 रुपए, कोई मेरा कोई आज तक मेरी मुलाकात नहीं, कोई स्टैम्प नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप सब फर्जी कर रखे हैं। इस मामले में आप तक किन किन अधिकारियों से मिले हैं? मैं सर सभी अधिकारियों से मिल चुका हूँ, कमिश्नर साहब से भी मिल चुका हूँ और DIG साहब से मिल चुका हूँ, SSP साहब से मिल चुका हूँ, कप्तान साहब से भी मिल चुका हूँ और साथ IG बरेली भी मिल चुका हूँ। हाँ मैं सभी जगह मिल चुका हूँ। जिस तरह के आपको जो आरोप लगा रहे हैं वो साफ तौर पे निराधार है? बिल्कुल गलत आरोप है सब, बिल्कुल गलत है। हम जमीन दूसरे की बेईमानी करने वाले हैं। मैंने तो खुद 1 बीघा जमीन अपनी स्कूल में दान में दे रखी है। तो कितनी पेमेंट दे चुके हैं किसे? इन्हें मैंने 17,00,000 इन्होंने अपनी जमीन के बहाने से 17,00,000 रुपए उन्हें उसे बचाने के लिए ये काम कर रहा है। जाकिर ने इन्होंने इदरीस ने इन्होंने 17,00,000 रुपए जमीन है इनकी भीकनपुर रोड पे, उसके बहाने से इन्होंने ले रखे हैं।